तो हम लोग अभी अभी पहुंचे हैं, कोई एक मंदिर है, कहाँ पे है मंदिर? मुंदेसर, मुंदेसर, मुंदेसर नगर पार्क में। काफी अच्छा है, पुराना सा। अच्छा, तो हम लोग हैं सनफ्लावर फील्ड में, एंड यू गाइस कैन चेक इट आउट, इट इज ब्यूटीफुल। चेक इट आउट, लुक एट इट, इट्स परफेक्ट। So me and Zubair have finally found some sand dunes. मट्टी बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त, पाँव जल रहे हैं। जुबैर ने तो जूते पहने हुए, मैंने चप्पलें पहनी हुई हैं, which is a bad decision. But जो करना है वो तो करना है भाई। ये देखें जुबैर साहब को, अपनी सिंधी शख्सियत को उन्होंने फुल बाहर निकाले। बकरा उठा के दिखा रहे। दिस ट्रिप हैज ओनली बीन अबाउट शूटिंग वल्चर्स। की तस्वीर चाहिए यार आदिल भाई, ये तो बताएं वल्चर्स की इतनी खास बात क्या है? यार वल्चर्स की खास बात ये है कि वो जो है ना बस वैसे ही रख लेते हैं, दाढ़ी अंदर से होते नहीं है, डिस्क होते हैं, मोली मोली भी नहीं होते।
ये डिस्को मौलवी होते हैं, सिर्फ दाढ़ी रखते हैं किसी मजबूरी में, वरना ये पूरे होते हैं, अपने काम जारी रखते हैं। आप किस वल्चर की बात कर रहे हैं? ये वाले? हाँ, तो और क्या, आप किसका पूछ रहे हैं? ये वाले, ये वाले। ओ यार, वल्चर्स की मैं बताया था संजीदा कि वल्चर्स का ये है कि वल्चर्स अब एक ज़माने में कराची में भी मिल जाते थे हर जगह, लेकिन अब नहीं मिलते। अब ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पर गवर्नमेंट पंजाब और WWF कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से बसाएँ मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ये खुद ही जहाँ जाए तो वहाँ पर बसते हैं, आप इनको बसा नहीं सकते। मिट्टी और ये जो रेगिस्तानी एरिया सारा थर बरकर का, ये इनके लिए बड़ा अच्छा है जगह है। इसमें एक दो बड़े फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता दूँ कि एक तो फैक्टर ये है कि यहाँ हिंदूज़म जो है, हिंदूज़ की बेसिकली मेजॉरिटी है, तो हिंदूज चूँकि मीट ईटर्स नहीं होते, तो इनकी गाय भैंसें जो भी हैं वो तभी मौती मरती हैं तो मरती हैं, तो उसको खाते नहीं हैं ज़ाहिर है, तो वो इनको फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो वो इनकी गज़ा बनती है, क्योंकि जो वल्चर्स को शिकार नहीं करते, मुर्दार खाते हैं, तो उनको बहुत बड़ी गज़ा यहाँ पर मिलती रहती है अक्सर बेशतर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर आवाज़ नहीं है। ठीक, चले भाई, चले, ओके।